सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अयोध्या राम मंदिर जन्मस्थली तक जितने भी रास्ते आते हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया है। आज से लेकर 23 तारीख तक उन रास्तों को बंद रखा जाएगा जिनके पास पास होंगे या फिर जिन्हें आमंत्रण पत्र दिया गया होगा, सिर्फ उन्हें ही उन रास्तों से आने दिया जाएगा। और इस काम में यूपी पुलिस के 25,000 जवानों को लगाया गया है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के तमाम जवान सुरक्षा के मद्देनजर यहां तैनात किए गए हैं। अयोध्या में यूपी पुलिस के 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। वीआईपी अतिथियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले 300 जवान पहली बार सूट बूट में यहां नजर आएंगे। हमेशा खाकी वर्दी में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस पहली बार अयोध्या में समारोह में बदली नजर आएगी। वीआईपी सूट और इसके दौरान ये गहरा नीला कोट और आसमानी टी शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में महिला कमांडो को तैनात किया गया है और अयोध्या लता मंगेशकर चौक पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहां साफ तौर पर नजर आ रही है। एनएसजी और एसपीजी और पैरामिलिट्री फोर्स के 150 जवान भी तैनात किए गए हैं। परिसर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी वॉर रूम से मॉनिटरिंग हो रही है। और यहाँ जो सुरक्षा बल है, महिला मिलिट्री फोर्स है, वो तैनात हो गई है। यानी कहीं कोई चूक ना हो, कल पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके मद्देनजर अयोध्या राम मंदिर तक जितनी सड़कें आती है वो तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। जिनके पास पास है या फिर निमंत्रण पत्र जिनके पास है, सिर्फ उन्हें ही आने दिया जा रहा है। महिला मिलिट्री फोर्स को भी यहां तैनात किया गया है और पूरी अयोध्या की जो तस्वीर है वो बदल गई है। यूपी पुलिस के 25,000 जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 अयोध्या।